Hi friends, welcome to the desk, Deva English Spoken Class. Friends, today I am going to teach you about the use of keep on, remain or go on. Okay friends, so let's start the class of the day. Friends, सबसे पहले हम देखते हैं पिछले क्लास में दिए गए होमवर्क के लिए सेंटेंसेस का इंग्लिश अनुवाद. तो ये रहा, अगर आपने बनाया है तो आप इससे मैच करके जहाँ पर भी गलतियाँ होंगी वहाँ पर सुधार लीजिए. ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स कीप ऑन, रिमेन, गो ऑन, ये क्या है, इसका इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं, यही आज हम सीखेंगे. ओके फ्रेंड्स, जब भी सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि कोई शख्स कुछ काम कंटिन्यूसली करता रहता है, मीन्स ज़्यादातर वही काम करता रहता है, तो वैसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए कीप ऑन, रिमेन या गो ऑन का इस्तेमाल करते हैं. ओके फ्रेंड्स, जैसे वह नाचता रहता है, मीन्स ज़्यादातर उसका जो वर्क होता है वो नाचने का होता है, मीन्स वो नाचता रहता है. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने के लिए हम कीप ऑन, गो ऑन और रिमेन का इस्तेमाल करते हैं. इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप. ओके फ्रेंड्स, जैसे हम बनाते हुए समझते हैं, वह नाचता रहता है, ही कीप्स ऑन डांसिंग. पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद रिमेन, कीप ऑन या गो ऑन, तीनों में से कोई एक, और उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी. ओके फ्रेंड्स, तो ही कीप्स ऑन डांसिंग, दूसरा होगा ही रिमेन्स डांसिंग, और तीसरा होगा ही गोज ऑन डांसिंग. अब इन तीनों में से ज़्यादातर लोग कीप का इस्तेमाल करते हैं. ओके फ्रेंड्स, अभी दूसरा सेंटेंस है, वे लोग खेलते रहते हैं, तो दे कीप ऑन प्लेइंग, दे रिमेन प्लेइंग या दे गो ऑन प्लेइंग. ओके फ्रेंड्स, चौथा है, क्या वह हंसता रहता है. चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसलिए इसमें डू डज लगाकर इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे. ओके फ्रेंड्स, तो डज ही कीप ऑन लाफिंग. तुम्हें इंग्लिश सीखते रहना है, इसमें हम जो मैंने आपको बेसिक में बताया था और टेंस में, दोनों तरह के सेंटेंसेस में हम कीप ऑन और रिमेन और गो ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं. बस सेंटेंस से ये बोध होना चाहिए कि कोई भी शख्स किसी काम को कंटिन्यूसली यानी ज़्यादातर करता रहता है, तो ऐसे सेंटेंस के साथ हम ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, तुम्हें इंग्लिश सीखते रहना है, अब एक किस तरह का सेंटेंस है, ये बेसिक से है, जिसमें हैज़ टू, हैव टू का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ना है, नी है, ने है, लास्ट में जब आए, तो ऐसे सेंटेंस के बनाने के लिए, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल करते हैं. ओके, तो तुम्हें इंग्लिश सीखते रहना है, यू हैव टू कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश, यू हैव टू रिमेन लर्निंग इंग्लिश, यू हैव टू गो ऑन लर्निंग इंग्लिश. ओके फ्रेंड्स, उसे कोशिश करते रहना चाहिए, ना चाहिए, मीन्स ये शुड मस्ट वाला सेंटेंस हो गया, तो यहाँ पर हम शुड लगाकर बनाएंगे. जब भी ना चाहिए आएगा लास्ट में, तो उसे सेंटेंस को हम शुड या मस्ट से बनाएंगे, यानी कि ज़रूर रहता है तो मस्ट, और ज़रूर नहीं रहता है तो फिर सिर्फ शुड लगाएंगे. तो उसे कोशिश करते रहना चाहिए, ही शुड कीप ऑन ट्राइंग, ही शुड रिमेन ट्राइंग, ही शुड गो ऑन ट्राइंग. उसे बोलते रहने दो, ये कौन सा हो गया, ये लेट वाला हो गया, ने दो, जब लास्ट में ने दो आए तो समझ जाना कि वो लेट वाला ही है. ओके फ्रेंड्स, तो लेट हिम कीप ऑन स्पीकिंग, लेट हिम रिमेन स्पीकिंग, लेट हिम गो ऑन स्पीकिंग. ओके फ्रेंड्स, तुम मेरे घर आते रह सकते हो, अब इसमें सकता सकती है तो इसमें एज ए हेल्पिंग वर्ब कैन का इस्तेमाल करेंगे. यू कैन रिमेन कमिंग टू माई हाउस, यू कैन कीप ऑन कमिंग टू माई हाउस, यू कैन गो ऑन कमिंग टू माई हाउस. ओके फ्रेंड्स, कोशिश करते रहो, सीखते रहो, ये किस तरह के सेंटेंसेस है, ये है इंपरेटिव सेंटेंस. तो कीप ऑन ट्राइंग, सीखते रहो, कीप ऑन लर्निंग.
ओके फ्रेंड्स, जाते रहो, कीप ऑन गोइंग, या लोग गेट गोइंग भी बोलते हैं, गेट का भी इस्तेमाल करते हैं इसमें, जाते रहो, गेट गोइंग, कीप गोइंग, गो ऑन गोइंग, रिमेन गोइंग। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से हम इंपरेटिव सेंटेंस में भी बनाएंगे। अभी इसका अगर पास्ट होगा और फ्यूचर होगा तो क्या करेंगे, चलो हम एक दो सेंटेंस पास्ट में बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि पास्ट वाले में हम क्या करेंगे। वह नाश्ता रहा रहता है तो पास्ट होगा वह नाश्ता रहा, या वह नाश्ता रहता था, या वो नाश्ता रहा। ओके फ्रेंड्स, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा क्रिया का दूसरा फॉर्म इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ही केप्ट ऑन डांसिंग, ही रिमेंड डांसिंग, ही वेंट ऑन डांसिंग। ओके फ्रेंड्स, वे लोग खेलते रहे, दे केप्ट ऑन प्लेइंग, दे रिमेंड प्लेइंग, दे वेंट ऑन प्लेइंग। इसी तरह से जितने भी सेंटेंस है अगर उसका पास्ट होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा, तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म यानी कि कीप का केप्ट हो जाएगा, रिमेन का रिमेंड हो जाएगा, और गो का वेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी लगाकर बना देंगे। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पर है तुम्हें इंग्लिश सीखते रहना है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट नहीं है, ये बेसिक्स है। अगर इसका पास्ट हम करेंगे तो तुम्हें इंग्लिश सीखते रहना था, तो यू हैड टू हो जाएगा। मैंने आपको कई बार बताया कि जो भी सेंटेंस हैज हैव से बनता है उसका पास्ट बनाने के लिए हम उसमें हैज हैव की जगह हैड लगाते हैं, सिंपल। और जो भी सेंटेंस इज आर एम से बनता है उसका पास्ट बनाने के लिए हम वाज वर का इस्तेमाल करते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो भी सेंटेंस कैन से बनता है उसका पास्ट कुड से, जो भी सेंटेंस विल और शैल से बनता है उसका पास्ट वुड से। ओके फ्रेंड्स, तो यू हैड टू कीप ऑन लर्निंग इंग्लिश, उसे कोशिश करते रहना चाहिए था, ही शुड हैव केप्ट ऑन लर्निंग इंग्लिश। ये शुड वाला में जब पास्ट की बात करेंगे हम, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। ओके फ्रेंड्स, तो ही शुड किसे, उसे कोशिश करते रहना चाहिए, ही शुड हैव भी लगता है इसमें, शुड वाला जो थाते थे आता है, तो ही शुड हैव केप्ट ऑन ट्राइंग। ठीक है, तुम मेरे घर आते रह सकते थे, यू कुड हैव केप्ट ऑन कमिंग टू माई हाउस। ओके फ्रेंड्स, अगर इसका हम फ्यूचर बनाएंगे तो फ्यूचर में क्या होगा, वह नाश्ता रहेगा। जब भी फ्यूचर आता है तो उसमें हम शैल विल का इस्तेमाल करके और बाकी जो उसमें लगता है वो लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो वो नाश्ता रहेगा, ही विल कीप ऑन डांसिंग, ही विल रिमेन डांसिंग, ही विल गो ऑन डांसिंग। वे लोग खेलते रहेंगे, दे विल कीप ऑन प्लेइंग। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह से हम फ्यूचर में शैल विल का इस्तेमाल कर देंगे और कीप का या रिमेन का या गो का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करके हम सेंटेंस बना देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम करते हैं प्रैक्टिस। तुम गाते रहते हो, यू कीप ऑन सिंगिंग, या यू रिमेन सिंगिंग, या यू गो ऑन सिंगिंग। वह खेलता रहा, ही केप्ट ऑन प्लेइंग। क्या तुम उसे देखते रहे, डिड यू कीप ऑन लुकिंग हिम। वह ढोल बजाता रहा, ही केप्ट ऑन बीटिंग ड्रम। मैं फिल्म देखता रहता हूँ, आई कीप ऑन वॉचिंग मूवी। वह क्रिकेट नहीं खेलता रहता है, ही डज नॉट कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट। क्या तुम उस पेड़ को काटते रहोगे, विल यू कीप ऑन कटिंग दैट ट्री। तुम उसे क्यों पीटते रहोगे, वाई विल यू कीप ऑन बीटिंग हिम। वह सोता रहा, ही केप्ट ऑन स्लीपिंग, या ही रिमेंड स्लीपिंग। वह दूध पीता रहता है, ही कीप्स ऑन ड्रिंकिंग मिल्क। तुम चाय पीते रहते हो, यू कीप ऑन टेकिंग टी। यू रिमेन टेकिंग टी, यू गो ऑन
टेकिंग टी। खेलते रहो, कीप ऑन प्लेइंग। वह कोशिश करता रहा, ही केप्ट ऑन ट्राइंग। तुम क्यों रोते रहे, वाई डिड यू कीप ऑन क्राइंग। वह रोता रहा, ही केप्ट ऑन क्राइंग। मेरे पिताजी मुझे पढ़ाते रहते हैं, माई फादर कीप्स ऑन टीचिंग मी। माई फादर रिमेंस टीचिंग मी। वह गाय दूहता रहता है, ही कीप्स ऑन मिल्किंग काउ। तुम क्या करते रहते हो, व्हाट डू यू कीप ऑन डूइंग। वे लोग पेड़ पर चढ़ते रहते हैं, दे कीप ऑन क्लाइंबिंग ऑन द ट्री। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे प्रैक्टिस के लिए। अब ये रहा आपके होमवर्क के लिए, मीन्स आपके घर पे प्रैक्टिस के लिए। तो ये रहा सेंटेंसेस, आप इन सेंटेंसेस को अच्छी तरह से समझ कर बना लेना, और नेक्स्ट क्लास में जो इसका हम आंसर बताते हैं उसे आप मैच भी कर लेना। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आज का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आपको अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा कि कीप, रिमेन और गो ऑन का इस्तेमाल हम किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं। और बहुत सारे सेंटेंसेस मैंने प्रैक्टिस के लिए भी दे रखा है, तो आप प्रैक्टिस करने के बाद और भी अच्छी तरह से समझ जाओगे। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया कीजिए, कमेंट भी किया कीजिए। और अगर सचमुच आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।